द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच इस फिल्म की एंट्री अब कर्नाटक के चुनाव में भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिल्म का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है। इसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरे को बेनकाब किया गया है। अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है। वे आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के बल्लारी के म्यूनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में आतंकवाद का एक भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज के भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरल स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की नीति पर आधारित है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटक का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है। जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक के खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी पार्टी क्या कभी कर्नाटक की रक्षा कर सकती है? आतंक के माहौल में यहाँ के उद्योग, आईटी इंडस्ट्री, खेती किसानी और गौरवमय संस्कृति सब कुछ तबाह हो जाएगा। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि द केरला स्टोरी देश भर में आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ है। फिल्म को बैन करने की भी मांग हुई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने को कहा था।